जय हिंद। आज हम डिप्लोमा एसबीटी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोटिस लेकर आए हैं। अगर आप एसबीटी बिहार से डिप्लोमा कर रहे हैं, आपका कुछ पेपर बैक है या आप लेटर एंट्री से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बैक पेपर का किस तरह से एग्जाम होगा, क्या क्या नोटिस एसबीटी बिहार ने निकाला है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म का। तो एसबीटी ने जो है एक नोटिस निकाला है, उस नोटिस में ये साफ रीति से कहा गया है कि जिन बच्चों का बैक पेपर है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका बैक है, तो आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है, जिसका डेट है 14 अगस्त 2020 से 22 अगस्त 2020 तक। इस डेट के बीच में आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है, अर्थात बैक पेपर का। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, पिछला नोटिस में एसबीटी बिहार ने सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स का प्रमोट किया था। तो हमने बताया था प्रमोशन जो है केवल आपका करेंट सब्जेक्ट का था, अर्थात अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे थे तो आपका प्रमोशन केवल सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट का हुआ होगा। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में होंगे तो आपका प्रमोशन जो है केवल और केवल फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट का हुआ होगा। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक है, अर्थात किसी भी सेमेस्टर या किसी भी पेपर में बैक लगा हुआ है, तो उनको एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है 14 अगस्त 2020 से 22 अगस्त 2020 तक, और उनका एग्जाम होगा सितंबर महीना के तीसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह के बीच में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये एग्जाम जो है किस तरह से होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा। इस तरह से लास्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम को लिखा था ऑफलाइन सेंटर पर जाकर, ये एग्जाम जो है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के बच्चों के साथ होगा, अर्थात थर्ड ईयर का भी एग्जाम होना है क्योंकि उनका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया है। तो थर्ड ईयर का एग्जाम और बैक पेपर का एग्ज़ाम और लेटर एंट्री, जो बच्चे 2019 में लेटर एंट्री से एडमिशन लिए थे उनका एग्ज़ाम मार्च 2020 में होना था, लेकिन महामारी की वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो उनका भी एग्ज़ाम थर्ड ईयर और बैक पेपर के स्टूडेंट्स के साथ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, आप अपने कॉलेज के तरफ से जाकर फॉर्म को भरना है, अर्थात 14 अगस्त 2020 से 22 अगस्त 2020 के बीच में आपको जो है फॉर्म को भरना है। उसके बाद हम बात करते हैं, सर ये एग्ज़ाम होगा तो हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मेरा मेन मोटिव जो है नोटिस देने नहीं आए हैं, लेकिन हम आपको कुछ टिप्स देने आए हैं ताकि आप जो है इस पेपर को निकाल सकें, आपका जो कैरी पेपर है वो निकाल सकें। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उस समय हमने जो है दो पेपर में मैं बैक लग गया था, क्योंकि मैं जो है एडमिशन जो है लेट से लिया था, पहला कारण यह था। दूसरा कारण यह था कि मैं जो है साउथ में पढ़ाई करने गया था, तो वहाँ पर मुझे लैंग्वेज नहीं समझ में आता था। तीसरा कारण यह था कि वहाँ पर हमें जो है सेटल होने में ही जो है काफ़ी वक्त को लग गया। तो ये स्थिति जो है आपके साथ भी घटा होगा, आप कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे, आपको सेटल होते 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 आपका एग्जामिनेशन आ गया होगा, आपने जो है अच्छी रीति से तैयारी नहीं कर पाए होंगे क्योंकि आपको काफ़ी समय नहीं मिला होगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी फर्स्ट सेमेस्टर में दो पेपर में बैक लगा था, जिसे हम एरियर कहते हैं। तो दो सब्जेक्ट में मेरा एरियर था, फिर भी मैंने हारा नहीं था, लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया था कि आज के बाद, अर्थात सेकेंड सेमेस्टर से, मेरा कभी भी बैक पेपर नहीं होगा। और उस डिसीजन को पूरा करने के लिए हमने जो है जी जान लगा दिया था। और हम आपको बता दें कि सेकेंड सेमेस्टर में हमने उस पेपर को भी क्लियर किया, और सेकेंड सेमेस्टर में हमने जो है क्लास में भी अच्छा रैंक लाया था। तो ध्यान दीजिए, कभी भी असफलता आपकी सफलता को रोक नहीं सकता है। अगर आप एक बार असफल हो गए तो ये मत सोचिएगा कि हम जो है ज़िंदगी भर असफल रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति गिरता है वही जानता है कि गिरकर कैसे उठना है। जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं है वो कैसे जानेगा कि गिरने के बाद कैसे उठना है। इसलिए हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर आप फेल हो चुके होंगे फर्स्ट ईयर में तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक कविता को पढ़ा होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चिट्ठी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती गिरती है फिर भी चढ़ती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, जो कोशिश करते हैं उनको कभी भी हार नहीं मिलती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव है। दशरथ मांझी ने कोशिश किया, 22 साल लग गए, उसने पहाड़ को ही काट डाला। क्या पढ़ाई करना पहाड़ तोड़ने से भी भारी है क्या? नहीं, क्योंकि पहाड़ तोड़ना बहुत ही मुश्किल है और पढ़ाई करना बहुत ही आसान है। इसी
इसलिए हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो हम बात करते हैं कि आपके पास केवल लिमिटेड टाइम है, अर्थात केवल एक महीना आपके पास टाइम बचा हुआ है। उस एक महीना में आपके पास एक या दो या तीन जितना भी कैरी पेपर होगा या बैक पेपर होगा उसकी तैयारी कैसे करना है। तो ध्यान दीजिए, नंबर वन क्लासेस आपको मदद करेगा कि आप सफल हो जाएं, अर्थात आप उस पेपर में पास हो जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर वन क्लासेस पर आपका सारा सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो सारा वीडियो लेक्चर जितना भी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, एग्जाम्पल के तौर पर बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग, जितना भी सारा सब्जेक्ट है, जो मेन जो सब्जेक्ट होता है उसका आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और कम्युनिकेशन स्किल का भी वीडियो लेक्चर है। तो यहाँ पर आपको सारा सब्जेक्ट का वीडियो मिलता है, साथ ही साथ नंबर वन क्लासेस पर आपको मिलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन, अर्थात यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो पूछा गया था उसका आंसर के साथ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम आपको सजेशन यही देंगे कि मात्र एक महीना आपके पास बचा हुआ है, आप जमकर तैयारी कीजिए, नंबर वन क्लासेस में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। आपको केवल क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, जो सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं या बैकलॉग है उस सब्जेक्ट की तैयारी आप अभी से करने में जुट जाइए। अगर आपको किसी तरह का नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर वन क्लासेस आपके लिए सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। क्योंकि नंबर वन क्लासेस खोलने का मेन मकसद यही है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने में कमज़ोर हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है, उनको किसी न किसी रीति से मदद किया जाए। तो हम आपको यही सजेशन देंगे, एक महीना बचा हुआ है, एक महीना आप जमकर तैयारी कीजिए ताकि आपको इस पेपर में सफलता मिल सके। दूसरी बात हम करने जाते हैं कि आप जो है जरूर से जरूर अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सही समय पर भर दीजिए, उसके बाद आप घर बैठे एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। मैं रवि कुमार सक्सेना अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए यही दुआ करते हैं कि आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।